आराम करो जी। नहीं पता क्या क्यों चल रहा है, जो ऊपर बैठे वो भाग गया। हेलो गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? मैं आ गई हूँ रसोई में। अब मैं सबसे पहले करती हूँ, शाम जो मेरा डेली का रूटीन है वो कर रही हूँ मैं सफाई पहले। लेकिन ये जो एनर्जी ड्रिंक बनाते हैं ना, इसमें कसने कसाने का जो काम होता है अदरक का, उसका ये फिर ये गैस पूरी गंदी कर देते हैं, तो मुझे दोबारा से साफ करनी पड़ती है। ये मैंने भगवान के बर्तन मांजे हैं, भगवान के, और उसमें साथ में चिमनी होती है जो जोत के ऊपर ढकती हूँ हवा ना लगे, तो उसे मैं मांजती हूँ 2-3 दिन में, तो उसकी वजह से मेरे हाथ काले हो गए। दिखाई थे ना मैंने कितने काले हाथ हो गए मेरे, बहुत ज्यादा चिकट हो गए, क्योंकि उसमें तेल जलता है नीचे। और मैं ये मांज के अभी अपने हाथों को धो रही हूँ, बहुत गंदे हाथ हो गए मेरे। ये देखिए यहाँ पत्थर की शिक बनती है, देखिए ये है और काफी डीप है। इसे बर्तन मांजने से कमर दर्द हो जाती है, और हमारे यहाँ पे स्टील की लगती है ना चिंग, यहाँ कहीं भी कितना भी पैसे वाले घर का देख लो चिंग ऐसे ही मिलेगी। ये मेरा चाय एक वो है टॉनिक, एक तरह का तेल डालते हैं जैसे पेट्रोल डालते हैं ना गाड़ी में, ऐसे ही ये है मेरा पेट्रोल मेरे शरीर के लिए। अब इसके बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। आपको पता कितनी गर्मी है, आप विश्वास नहीं करोगे। दिल्ली साइड में तो बारिश हो रही है, थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है, यहाँ में तो बारिश हो रही है और टेम्परेचर भी 40 से ऊपर है। और वो 40 से ऊपर क्या है, वो ना तीखी वाली गर्मी है, बहुत तीखी वाली गर्मी है यहाँ पे। कल पूरी रात कोई नहीं सोया, मैं तो बिल्कुल ही नहीं सोई थी। एसी चल रहा, पंखा चल रहा, उसके बाद भी मतलब पूरा तपा हुआ था कमरा, पूरा पसीने में नहाए हुए थे। फिर साल जाकर पहले तो घूमती रही हूँ, इधर पानी डाल डाल के आ रही पैरों पे हाथों पे। फिर जब नींद नहीं आई है, सब सोए पड़े हैं, लोग सो गए थे, और मैं बहुत परेशान होगी रात में। तब मैं रात को 4 बजे गई हूँ, मैं नहा के आई हूँ उस टाइम 4 बजे। आप बताओ 4 बजे नहा के आई हूँ मैं, जब मैं 4 बजे नहा के आई हूँ उसके बाद मैं लेटी, तब उसके बाद थोड़ा ठंडा ठंड लगा क्योंकि मैं नहा के आई थी उस टाइम। उसके बाद कब मुझे आग लगी मुझे पता नहीं चला। पता नहीं साउथ में किस तरह घर बनाते हैं, हमारे यहाँ तो ना कवर वर सब बनाते हैं, अलमारियां सब होती है।
किचन में मिलेंगी आपको, रूम में मिलेंगी, हर एक रूम में मिलेंगी। यहाँ आप पूरा घर छान लो अगर आपको एक अलमारी मिल जाती है तो। और बताओ आदमी सामान कहाँ रखेगा उसके? अब जो आदमी बाहर का है, ट्रांसफर आया हुआ है, वो कहाँ लेके जाएगा, कहाँ कितनी अलमारी रखेगा आप बताइए मुझे। और जब अलमारी नहीं रहती है तो घर फैला फैला लगता है अपने आप ही, क्योंकि सामान रखने की जगह ही नहीं है। और जो मेरे डबल बेड है ये मैंने यहीं से आके लिया है, ये भी बॉक्स वाला नहीं लिया हमने। अब ये सामान मैंने यहाँ नया खरीदा है, जो सारा मैं छोड़ के थोड़ी जाऊंगी इसे। इससे पहले हम एक जगह से आए थे, वहां पे बेड ले रखा था, वो लिया था उन्होंने, स्टील के बेड आते हैं ना, डबल बेड आता स्टील का, वो बेड लिया था इन्होंने वहां पे। तो बताते हैं वास्तु के हिसाब से स्टील के बेड पे सोना बहुत हानिकारक होता है। कभी भी मेरी राय मान के, मेरी राय नहीं है, वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही है, कभी भी स्टील का बेड मत खरीदे ना उसको सोना। यहाँ पे हमने कोई सामान नहीं खरीदा, बस यहाँ हम दो, एक अटैची इनकी थी, दो अटैची में लेके आई थी, मतलब सूट के दो में लेके आई थी, बस यही सामान था यहाँ पे जब हम आए थे। तो इन्होंने यहीं पे आके गैस खरीद दी है, एक कढ़ाई, एक आटा गूंदने की परात, एक प्लेट, एक चमचा, एक कोनी जो फूल तलने वाली होती है, ये बर्तन इन्होंने, एक जग पानी का जग था इन्होंने ये खरीदा था। जब मैं ये हमें लेने के लिए गए, मैं और दीपा हमारा सुल्तान, हम चारों आए यहाँ पे, तब खाना खाने के लिए ये था कि एक खाना खाएगा तब दूसरा बर्तन, दूसरा वो मजाएगा तब दूसरा खाएगा, ये बताऊँ इन्होंने इतना ही बर्तन खरीदा था। उसके बाद रात को हम पहुंचे थे, दूसरे दिन फिर सुबह में उठ के जाके वो अनब्रेकेबल आता है ना डिनर सेट, वो मैं लेके आई थी यहाँ से खरीद के। मैं बोली ये है खाना तो खाया जाएगा, प्लेट भी चाहिए, डोंगे भी चाहिए, सब चीज चाहिए, तो मैं ले आई थी। फिर जब अब यहाँ पे आए हैं तो वहां मैंने काफी सामान खरीद लिया था गृहस्थी का, जो मैं पहले जगह यहाँ से पहले कहीं रह रही थी। जब हम यहाँ पे आए हैं तो बेड नहीं है हमारे पास, तो धरती में बिस्तर है हमारा, ये दरी जो आजकल ये ऑनलाइन मंगाई जा रही है ना, ये कारपेट टाइप होती है ना, ये दरी में हमारे पास, उसके ऊपर चद्दर और तकिया ओढ़ने के लिए, वही एक चद्दर जो एक महीना लगा हुआ। मैं रात को सोती, सुबह के आधी रात से रोना शुरू कर देती, क्योंकि मेरे ना एक तरफ कमर में काफी कुछ प्रॉब्लम है, ये उल्टे साइड में है, मेरे दर्द रहता है शुरू से, इतनी रोती मैं तो खड़ी नहीं हो पाती थी। और बेटा उस टाइम दीनदयाल उस हॉस्पिटल में लगा हुआ था, उसका एडमिशन यहाँ पे हो गया है डीएम में, तो वो पहली बार मेरे यहाँ आया, तो देख के अचंबा कर रहा है, मम्मी आप कैसे सोते हो? मैंने कहा बेटा मैं लाऊंगी, मैंने कहा फर्नीचर की दुकान मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे पता ही नहीं है कहाँ से लाऊं। फिर मुझे ये मकान ही पसंद नहीं था, मैंने ये एसी सामान तो मेरा पहले ही था, एसी है, इन्वर्टर है, ये सारा सामान मेरा पहले ही था जहाँ पहले रह रही थी, मैं नहीं लगवाया। मैंने कहा मुझे लगवाना नहीं है, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे चाहिए बड़ा वाला घर, मुझे इस घर में नहीं रहना, और खुला खुला चाहिए, जैसे बरांडा भी हो आगे खुला, छज्जा भी हो, मुझे इस तरह का चाहिए। एक दिन एक एसी वाला आया एसी लगाने के लिए, मैंने कही भैया तू जा मुझे नहीं लगवाना इससे। अब पता है अपने बंदे के बारे में आदमी को, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में उनकी माँ को भी नहीं पता होगा जितना मुझे पता है, अभी बता रही हूँ मैं, मेरा इतना साथ है कि मुझे उनके बारे में पूरा पता है कि ये भाई बहुत आलसी बंदा है, अगर एक बार भग गया ना ये एसी वाला दोबारा नहीं आएगा, अब वो भगा दिया हमने। उसने अपने चार्जिंग ले लिए 200 रुपए घर में आने की, कोई बात नहीं 200 रुपए गए कोई बात नहीं। मैंने कहा रोज कहती दीपा माँ से फोन करती पापा मकान बदल लो, पापा मकान बदल लो, अंकुर भी कहता पापा मकान बदल लो, मैं भी कह रही मकान बदलो, नहीं रहना तो भाग जाओ यहाँ से, सब नहीं रहना तो भाग जाओ। और फिर ऐसे करते करते एक महीना हो गया एसी वाले को आए हुए, एक महीना हो गया, फिर आकर हार के मैंने कि ये मकान तो खाली होगा नहीं और हम घर में मर जाएंगे, तो उस एसी वाला वो एसी वाला फिर आया ही नहीं, फिर दूसरा एसी वाला कोई लेके आए पकड़ के, तब वो एसी लगवाया वो हमारा। यहीं पे आके मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीदी थी, मुझे भी यहाँ के बारे में ना पता और यहाँ की लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती है।
अब मैं पूजा के बाद रसोई में आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। अब मैं ये बना रही हूँ पराठा। आज मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी और पराठा और चाय। ये हमारा ब्रेकफास्ट भी है लंच भी है, क्योंकि काफी लेट हो गए हैं आज हम काम करने में, तो पूजा भी काफी लंबी होती है। दीपा का खाना मैंने दे दिया है बना के, अब मेरा ये खाना बन रहा है। मैंने भी अपने लिए दो पराठे बनाए हैं। गर्मी काफी है, थोड़ा सी रोटी बनाने में भी काफी दिक्कत आ रही है अभी। नहा के खाना बनाओ तो पता ही नहीं लगता कि मैं नहाई हूं, फिर वैसे ही हो जाते हैं पसीने से। मैं खाना लेके आ गई, मैं खाना खा रही हूँ। ये देखिए मेरा खाना। अब ये शाम का टाइम है, मैं शाम का खाना बना रही हूँ। उसमें मैंने बनाई है कढ़ी और रोटी बनाऊंगी मैं, और दो चार बर्तन पड़े हैं। तो ये कह रहे हैं इसके पापा दीपा के लिए मैं साफ कर देता हूँ, तो ये दो चार बर्तन धो रहे हैं इधर। और मैं कढ़ी का नमक टेस्ट करके देख रही हूँ इसमें। आज कढ़ी का बहुत मन था सबका कि कढ़ी खानी है, इसलिए मैं आज कढ़ी बना रही हूँ। और चावल हम लोग बहुत कम खाते हैं, तो चावल मैं नहीं बनाऊंगी इसके साथ में, खाली कढ़ी और चिपड़ी हुई रोटी ये खाना मैं बनाऊंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें दो दो सब दो सब्जी का इसका कोई शौक नहीं है। अब मैं एक सब्जी बना लेती हूँ, तो थोड़ा तरी वाली सब्जी होनी चाहिए, सूखी सब्जी से रोटी नहीं खाई जाती है। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे दो सब्जी बनानी है। मेरी कढ़ी बन गई है, मैं रसोई साफ कर लेती हूँ, इसके बाद में फिर मैं फुलके सेकूंगी गरम। अभी थोड़ी रसोई की सफाई कर रही हूँ, बर्तन मंजे हुए उन्हें मैं लगा रही हूँ। इस रसोई में एग्जास्ट भी नहीं है, ना चिमनी है, कुछ भी नहीं है, जो भी हवा भाई आर पार होती रहे। इसमें क्या है ना, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। अगर बंद रसोई है चारों तरफ से, कहीं खिड़की कुछ नहीं है, एक खिड़की दी हुई है वो भी बरामदे में खुल रही है, वो हवा जाने का कोई मतलब ही नहीं है बाहर को। इस कड़ी में मैं धनिया डाल रही हूँ, और अब हमारा खाना हो गया है, हम जा रहे हैं घूमने। आज का मेरी ड्रेस ये है। सुबह से मेरी काफी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन तो गर्मी बहुत है यहाँ पे, बहुत बुरी वाली गर्मी है। एसी कूल एसी पंखे सब फेल कर दिए, और कोई काम करने वाला है एसी वाले बुलाना कोई आ नहीं रहा है घर पर करने के लिए। आज इनको ही फोन करके बैंक से जल्दी बुलाया, तब इनको कुर्सी और मूढ़े पर चढ़ाया, तब वो एसी साफ करवाया पूरा। अब जाके वो इतना ठंडा है, मोटू ने पतलू को फोन करके बुलाया कि जल्दी से आ जाओ, सांस बंद हो रहा है, एसी बिल्कुल चल नहीं रहा है, मतलब चल नहीं रहा है, मतलब
हवा नहीं फैल रहा, ठंडी वाली हवा नहीं आ रही थी, मतलब पूरा वो मतलब ब्लॉको हो रहा था डस्ट से पूरा। फिर वो पतलू आए, फिर ये आए हैं बैंक से तीनों ने, वो एसी की पूरा वो जुजाली निकाल के पूरा पूरा वाश वाश करके पहुंच के फिर दोबारा लगाइए। अब जाके वो कमरा अच्छा हुआ है, सोने लगे एसी का बहुत अच्छा। बाप रे ऐसी गर्मी मैंने पहली बार देखी है यहाँ पर, अभी मुझे 3 साल हो गए, 3 साल में पहली बार मैंने ये गर्मी देखी है। आज आज वो है, आज अंधेरी रात देखी आप, आज वो भी है ना द्वादशी और एकादशी एक साथ है ना। पता है मैं अपनी चांदनी को देख रही हूँ ना अभी, मैं हमें तो मिले हुए भी माँ बेटी को कितना 1.5 साल हो गया, डेढ़ साल हो गया, 2019 है ना जब मैं अपनी दिल्ली जाती थी ना, तो वो आ जाती थी जब भी उसका मन करता, जब भी मतलब 2 दिन के लिए भी आती, पर आती मिलने के लिए। हमारे राजा को बहुत शौक है पतंग उड़ाने के लिए, हर चीज पे आते हैं स्पेशल। और फिर जब हमारे आ जाते ना, फिर हमारे घर का माहौल ऐसा है, मैं बताऊं आपको, राजा बिल्कुल जैसे अपनी मम्मी को प्यार करता है ऐसे मुझे प्यार करता है। और हम जब ये शिवानी और राजा आ जाएंगे, मैं शिवानी राजा और दीपा चारों बैठ के दो दो ढाई रखती, और पापा है जो ये सो जाते हैं, ये चिल्लाते तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें उठना नहीं है, तुम्हें सोना नहीं है, बस यही चलती रहती। तो घर के अंदर पैक है, यही घर में पैक होने का ही तो नतीजा है ये शरीर फूलना। पहले कहते थोड़ा बहुत नीचे चले जाते, घूम आते, मॉल चले जाते कहीं कहीं, अब देखो उम्मीद आ रही है। आ जाओ, ये देखो आओ, तुझे बैठा लिया मैंने। चलो भाई आ जाओ, पेट किसका मोटा। हाँ बताओ, बस आ जा भाई आ जा। सबसे फर्स्ट में थोड़ा सा बोर्ड हम आ चुके हैं, हाँ लाइट ऑफ कर दो, ऐसे इससे ऐसे ऐसे, क्योंकि डंडा दिला ही ना, मैं कभी देखेंगे। देखिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए।